हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। ठीक है, हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जो सिक्का होता है, आपने देखा होगा बेटा जो सिक्का होता है जनरली आपको लगेगा कि ये सर्कल फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसके एक सर्टेन विथ है ना, इस वजह से ये सिक्का क्या है ना, एक सिलेंडर फॉर्म है। ये जो सिक्का है ना, इसका जो शेप है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, सिलेंडर फॉर्म में होता है। कि कितने सिक्के को पिघला जाएगा, सपोज करते हैं कि एन सिक्के को पिघला जाएगा, एन सिक्के को पिघला कर क्या बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, एक क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, तो कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा वो हमें बताना है। क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, जो लेंथ दे रखा है वो दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर है ना, जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, सिलेंडर में सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमीटर है ना वो 1.75 सेंटीमीटर है, 1.75 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी बच्चों उसकी आधी, 1.75 सेंटीमीटर की आधी। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पीछे दो जीरो हैं तो दो जीरो बढ़ जाए, और दो प्लेस दो नंबर है ना, 1, 7 और 5, तो 2 के पीछे दो जीरो बढ़ जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हो, 25×150, 25×7, 25×8, तो ये आ जाएगा 7/8 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस आ जाएगा। और जो हाइट है ना वो 2 मिलीमीटर है। ठीक है, जो इसकी हाइट है, हाइट को हम एच से प्रेजेंट करते हैं, सिलेंडर की हाइट को, जो कि है 2 mm। मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो 10 से डिवाइड करना होता है, तो ये आ जाएगा 2×1 = 2, 2×5 = 2, ये चीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ये पता लग रहा है कि एन सिक्के का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एन सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन वॉल्यूम सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, वैल्यू पुट अप करो। ठीक है, पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लें। ठीक है, 22/7 लेते हैं, और स्मॉल आर हमारे पास कितना, 7/8, और एच हमारे पास है 1/5। ओके, लेंथ हमारे पास है 5.5, ये है 10 और ये है 3.5। ओके, सॉल्व करते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, और अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से 2×4 = 2, 2×1 = 2। ठीक है, और 11×5 = 0.5, तो ये एन की वैल्यू अगर निकालोगे तो ऊपर वहाँ से दिख रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा, 5×3.5। ठीक है, और ये जो अप इधर अपॉन में उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, 8, 5, और इधर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, जो डिवाइड में था वो तो मल्टीप्लाई में चला गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। ठीक है, 7×5 = 0.5। अब इसको सॉल्व करना है, 8×40। ठीक है, और बच्चों के 20 और 40 = 80। ठीक है, देखो 4×5 = 20 और 8×40 = 40, 800×0.5, 8×40 पीछे 2 0.1 के बाद, तो एन आपका आ जाएगा 400। ठीक है, तो कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा बच्चों, 400 सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा